गाड़रवाड़ा से कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल अपनी मांगों को लेकर 21 सितंबर से धरने पर हैं। धरने की शुरुआत विधानसभा के बाहर से की, जो अब उनके भोपाल के सरकारी निवास पर भी जारी है। आज 7 दिन से लगातार धरना दे रही सुनीता पटेल का कहना है, गाड़रवाड़ा में हो रहे अवैध खनन, जुआ सट्टा और अवैध कारोबारों को लेकर एडिशनल SP राजेश तिवारी को हटाया जाए और जब तक उनका ट्रांसफर नहीं हो जाता तब तक उनका धरना जारी रहे। गाड़रवाड़ा से विधायक सुनीता पटेल काफी दिनों से धरने पर बैठी हुई है विभिन्न मांगों को लेकर। पहले इनके द्वारा विधानसभा के अंदर धरना दिया गया और अब अपने बंगले के बाहर लगातार धरना दे रही हैं। 7वां दिन है उनके धरने का, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है धरने पर बैठने का। मैम, क्या कारण है धरने पर बैठने का और आप इतने दिन से लगातार धरना दे रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, क्या नतीजा निकल गया? हमारे यहाँ नरसिंहपुरी में जो एडिशनल SP हैं उनके द्वारा अवैध उत्खनन और जुआ शराब और इसमें इन सारी चीज़ों पर उनका संरक्षण रहता है। अवैध जो उत्खनन होता है तो उन लोग, अभी तक शासन तक आपने बात पहुंचाई, किस तरह से शासन तक बात पहुंचाई, किस किस से आपकी बात हुई है, शिवराज जी से बात हुई या किसी से? इस लेटर दिया था, इसके बीच में मैं 16 तारीख को मिली व्यक्तिगत, मैंने सारी जो हमारी मांग थी उनके संबंध में और क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में उनको अवगत कराया, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हो जाएगा। लेकिन अब इस तरह से आज 7वां दिन है, आगे कब तक आप इस तरह से धरने देंगे? मैं मिली थी जब से उनसे बोला था और मैंने पत्र दिया था उसमें भी बोला था कि जब तक इनका आप स्थानांतरण नहीं करेंगे तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगी, तो मैं तो करवाने के लिए बैठी हूँ, हो जाएगा तब चले जाऊंगी। तो हमारे साथ ही गाड़रवाड़ा विधायक सुनीता पटेल जी, उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक उनके समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक इसी तरह धरने पर बैठी रहेंगी। कैमरामैन अंकित के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज़ 12 भोपाल।